प्रोसीजर देख लिए। सबसे पहला काम हमको करना है, हमको इस टैंक के अंदर डीजल और इंसेक्टिसाइड भरना है। टैंक का कैपेसिटी अराउंड 2 लीटर ऑफ डीजल है और एवरी 1 लीटर ऑफ डीजल में अराउंड 5 to 10 ml इंसेक्टिसाइड ऐड करना है। सो हम सबसे पहले टैंक को ओपन करके उसमें डीजल और इंसेक्टिसाइड डालेंगे। टैंक ओपन करने के लिए सबसे पहले व्हाइट वाले बॉटल को ओपन कर दीजिए और इसको निकाल दीजिए। बिना व्हाइट बॉटल निकाले टैंक ओपन नहीं होएगा। अब इसके टैंक को ओपन करने के लिए सिंपली इसको घुमा दीजिए मशीन को पकड़ के और मशीन को ध्यान से साइड में रख दीजिए किसी सरफेस के ऊपर। अब सबसे पहले चीज, इसके अंदर अराउंड अप टू 2 लीटर ऑफ डीजल ऐड करना है। 1 लीटर ऑफ डीजल के अंदर अब 5 से 10 ml इंसेक्टिसाइड यूज करना है फॉगिंग के लिए। अब इस द मिक्सचर इज रेडी टू बी यूज्ड। अब इसके ऊपर ध्यान से मशीन को बराबर अलाइन करके बंद कर दीजिए। इसका थ्रेडिंग का ध्यान दीजिए, इसका अलाइनमेंट बराबर होना चाहिए वरना ये बराबर बंद नहीं होगा। इसको बिल्कुल बराबर देख लीजिए कि सीधा इसके ऊपर बैठ गया है और फिर सिंपली घुमा दीजिए, लाइटली घुमा दीजिए, ये टोटली टाइट होके बंद हो जाएगा। इसको बंद कर दीजिए। जो उसके साइड का बॉटल है वो पानी के लिए है। पानी इस मशीन में कूलिंग के लिए जरूरी है। बॉटल के अंदर हर बार यूज से पहले पानी जरूर भर लें। बिना पानी भरे मशीन एक बार भी यूज नहीं करना है वरना इसका कॉइल चोक होके खराब हो जाएगा। बॉटल को पूरा पानी से भर लीजिए अप टू द ब्रिम। ये बॉटल जो पानी से भरी हुई है उसको ध्यान से इस ग्रूव के अंदर लगा दीजिए। ये देखिए बॉटल इसमें फिट हो जाएगी और उसके बाद में ये पाइप वाला कनेक्टर इसमें डाल के इसको सीधा रख के बंद कर दीजिए। ये बॉटल का कैप बंद हो गया और इसका पाइप का खास तौर पे ध्यान दीजिए, इसका पाइप ऊपर नहीं रह जाए नहीं तो ये बाद में पानी सक नहीं करेगा। पाइप को पूरा नीचे तक कर दीजिए। ओके, हम इसके अंदर डीजल और इंसेक्टिसाइड डाल चुके हैं, अभी हम इसके अंदर पानी भी डाल चुके हैं। अब जो तीसरा स्टेप है, हमको इस मशीन के अंदर गैस कैन लगाना है और फिर ये मशीन रेडी टू यूज हो जाएगी। गैस कैन लगाने का प्रोसीजर काफी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए गैस कैन किस तरह लगाना है। गैस कैन को ले लीजिए और इस रेगुलेटर के अंदर इस गैस कैन को फिट करना है। इसका पहले मैं एक बार विदाउट स्टेप्स बोले कर देता हूं और फिर वापस आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करना है। ये गैस कैन लगा, अब मैं गैस कैन को एक बार वापस से निकाल देता हूं और आप स्लोली दिखाता हूं कि गैस कैन एग्जैक्टली इसमें फिट कैसे करना है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है और सही तरीके से करना जरूरी है। तो ये ध्यान से देखिए, गैस कैन लगाने से पहले इंश्योर कर लीजिए कि रेगुलेटर बंद होना चाहिए। तो हम इसको एक बार नेगेटिव साइड पे थोड़ा सा मूव करके देख लेते हैं। जैसे अभी ये रेगुलेटर खुला था, अब ये टोटली बंद हो गया है। इसको ज्यादा पुश नहीं करना है वरना ये रेगुलेटर टूट जाएगा। अब ये रेगुलेटर बंद है, अब हम इसमें गैस कैन लगाएंगे। ये जो रेगुलेटर है ये बिल्कुल सीधा नहीं है, रेगुलेटर एक थोड़ा सा एंगल के ऊपर है, तो आपको गैस कैन भी हाथ में एकदम सीधा रख के नहीं लगाना है वरना ये गैस कैन नहीं लगेगा। इसको थोड़ा सा एंगल के ऊपर रखिए और ये जो नॉब है और यहां पर जो इसका नॉच बना हुआ है उसके अंदर इसको बराबर से अलाइन करिए। इस गैस कैन को बिल्कुल पैरेलल रखिए चारों तरफ से इस ऊपर वाले रेगुलेटर को और फिर गैस कैन को ऊपर की साइड से पकड़ के यहां पर अलाइन करके मशीन को थोड़ा सा प्रेस करके गैस कैन को ऊपर प्रेस करिए और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। गैस कैन को रेगुलेटर के बिल्कुल पैरेलल रखना है, ऐसा टेढ़ा नहीं रखना या फिर ऐसा टेढ़ा नहीं रखना है या बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, बिल्कुल इसको पैरेलल होना चाहिए। इन दोनों का अलाइनमेंट बिल्कुल बराबर होना चाहिए। मशीन के ऊपर यहां पर हाथ रखिए, गैस कैन को नीचे की साइड से मत पकड़िए, ऊपर की साइड से पकड़िए ताकि प्रेशर बराबर पड़े और नीचे सॉलिड सरफेस के ऊपर रखे करिए, हाथ में लेके मत करिए। अब इसको ऊपर से प्रेस करके यहां से कैन को बराबर एंगल में रख के प्रेस करेंगे और खाली एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे और कैन फिट हो गया है। इसमें हम गैस का कैन लगा चुके हैं, अब अगला स्टेप है इसके रेगुलेटर को थोड़ा सा चालू करना ताकि गैस इसमें आगे जाना चालू हो जाए। हम चालू करते हैं रेगुलेटर, हमको गैस की आवाज आने लगी है और अब हम तुरंत ये इग्निशन स्विच एक बार दबाएंगे और अब इसका कॉइल का बर्निंग स्टार्ट हो चुका है। आप गैस का आवाज भी सुन सकते हैं और बर्निंग भी धीरे धीरे होने लगेगी। इसको 5 से 6 सेकंड लगेंगे और इसका कॉइल पूरा रेड कलर का होने लगेगा, जिसका मतलब है कि मशीन इज रेडी टू यूज। मशीन अब रेडी हो गई है यूज करने के लिए। अब हमको सबसे पहला स्टेप है
इसका नॉब को फॉगिंग मोड पे डाल दीजिए और तुरंत अब हम डीजल को पंप करने के लिए ब्लू वाले बटन को प्रेस करेंगे और फॉग आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको कंटिन्यूअसली प्रेस करते रहिए, कॉइल ज्यादा भी गर्म नहीं होनी चाहिए और बहुत बार बार भी प्रेस मत करिए वरना कॉइल ज्यादा ठंडी हो जाएगी और फॉगिंग नहीं होगी। मशीन स्टार्ट करने के बाद में रेगुलेटर को गैस को मिनिमम कर दीजिए ताकि ज्यादा गैस नहीं जाए। आपको आवाज से समझ में आ जाएगा कि गैस कम हो चुकी है, इतना भी कम मत कर दीजिएगा कि बंद हो जाए, लेकिन जितना मिनिमम पे आगे बर्नर चालू है उतना इसको कम कर दीजिए रेगुलेटर से। अगर वो बाई चांस बंद हो जाता है तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे घुमा के उसको वापस से इग्निशन उसमें चालू हो जाएगा। नीले बटन को प्रेस करते जाइए कम से कम एक मिनट के अंदर 10 से 12 बार। कॉइल ज्यादा गर्म होके लाल भी नहीं होना चाहिए, एट द सेम टाइम बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। बहुत बार ज्यादा भी मत प्रेस करिए वरना ज्यादा डीजल सप्लाई से कॉइल ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और एकदम कम इसको प्रेस करेंगे तो कॉइल जलने का चांसेस है। तो थोड़ा थोड़ा समय में इसको प्रेस करते रहिए। ओके, अब हमारा फॉगिंग प्रोसेस बंद करने का आपको तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस है गैस का सप्लाई टोटली बंद कर दीजिए। नेगेटिव पे घुमा के गैस का रेगुलेटर से सप्लाई टोटल बंद हो गया है। आप देख सकते हैं कि कॉइल के अंदर अब इग्निशन नहीं बचा है, बट स्टिल हम लोग इसको 4-5 बार प्रेस करके थोड़ा और फॉगिंग के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी भी कॉइल गर्म है। इससे आपका गैस भी सेव होगा और कॉइल भी जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब फॉगिंग का प्रोसेस आज के लिए खत्म हो गया है, तो सबसे पहले गैस कैन को वापस ऊपर से पकड़ के क्लॉकवाइज घुमाइए, कैन निकल जाएगा। फॉर सेफ्टी कैन को गैस मशीन के पास में मत रखिए, और क्योंकि गैस मशीन का कॉइल गर्म है, कैन को मशीन के पास से हटा के कहीं दूर रख दीजिए। अब इमीडिएटली इसको कूलिंग मोड पे नॉब को घुमा दीजिए। ये नॉब कूलिंग मोड के ऊपर आ गया है और अब हम स्लोली पंप से वाटर पंप करेंगे। इमीडिएटली आपका फॉगिंग खत्म होने के विद इन 5-10 सेकेंड्स हम पंप से कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ताकि कॉइल पानी से पूरी तरह से धुल जाए। अगर ये कॉइल हमने इमीडिएटली नहीं धोई तो कॉइल पूरा चोक हो जाएगा और मशीन का कॉइल रिप्लेस करना पड़ेगा। पूरा क्लियर वाटर आना चाहिए, जिसका मतलब है कि कॉइल अब पूरी तरह से क्लीन हो गई है। पूरा वाटर टैंक कंप्लीटली एम्प्टी कर दीजिए। फॉगिंग का प्रोसेस ओवर हो गया है, लेकिन आपको ध्यान देना है कॉइल अभी भी थोड़ा गर्म हो सकता है, तो एक तो प्रोसेस के समय या प्रोसेस के बाद भी कॉइल के ऊपर हाथ ना लगाएं, और दूसरा खास तौर पे ध्यान देने की चीज है गैस कैन को मशीन के साथ में रख के नहीं छोड़ दें, क्योंकि अगर कॉइल